ओम गण गणपति नमः। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का पाठ कर रही हूँ। इस अध्याय का नाम है मोक्ष संन्यास योग। पाठ आरंभ करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं उन सभी से ये अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लें। तो अब हम अपनी अंतिम अध्याय का पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। उसके उपरांत अर्जुन बोले कि हे महाबाहो, हे अंतर्यामी, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास जानते हैं और कितने ही विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं तथा कई एक विद्वान ऐसे कहते हैं कि कर्म सभी दोषयुक्त हैं इसीलिए त्यागने के योग्य हैं और दूसरे विद्वान ऐसे कहते हैं कि यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य हैं। परंतु हे अर्जुन, उस त्याग के विषय में तू मेरे निश्चय को सुन। हे पुरुषश्रेष्ठ, वह त्याग सात्विक राजस और तामस ऐसे तीनों प्रकार का ही कहा गया है तथा यज्ञ दान और तप रूप कर्म त्यागने के योग्य नहीं है, किंतु वह निसंदेह करना कर्तव्य है क्योंकि यज्ञ दान और तप यह तीनों ही बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसीलिए हे पार्थ, यह यज्ञ दान और तप रूप कर्म तथा और भी संपूर्ण श्रेष्ठ कर्म आसक्ति को और फलों को त्याग कर अवश्य करने चाहिए। ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। और हे अर्जुन, नियत कर्म का त्याग करना योग्य नहीं है, इसीलिए मोह से उसका त्याग करना तामस त्याग कहा जाता है। यदि कोई मनुष्य जो कुछ कर्म है वह सब ही दुख रूप है ऐसे समझकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजस त्याग को करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात उसका वह त्याग करना व्यर्थ ही होता है। हे अर्जुन, करना कर्तव्य है ऐसे समझकर ही जो शास्त्र विधि से नियत किया हुआ कर्तव्य कर्म आसक्ति को और फल को त्याग कर किया जाता है वह ही सात्विक त्याग माना गया है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को स्वरूप से न त्याग कर उनमें जो आसक्ति और फल का त्यागना है वही सात्विक त्याग माना गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष अकल्याणकारक कर्म से तो द्वेष नहीं करता है और कल्याणकारक कर्म में आसक्त नहीं होता है वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त हुआ पुरुष संशय रहित ज्ञानवान और त्यागी है क्योंकि देहधारी पुरुष के द्वारा संपूर्णता से सब कर्म त्यागे जाने को शक्य नहीं है। इससे जो पुरुष कर्मों के फल का त्यागी है वही त्यागी है ऐसे कहा जाता है। सकामी पुरुषों के कर्म का ही अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात भी होता है और त्यागी पुरुषों के कर्म का फल किसी काल में भी नहीं होता क्योंकि उनके द्वारा होने वाले कर्म वास्तव में कर्म नहीं है। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के लिए अर्थात संपूर्ण कर्मों के सिद्ध होने में यह पांच हेतु सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, उनको तू मेरे से भली प्रकार जान।
हे अर्जुन, इस विषय में आधार और कर्ता तथा न्यारे न्यारे करण और नाना प्रकार की न्यारी न्यारी चेष्टा एवं वैसे ही पांचवा हेतु देव कहा गया है, क्योंकि मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्र के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कर्म आरंभ करता है उसके यह पांचों ही कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो पुरुष अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता देखता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं देखता है। हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतरकरण में मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोकों को मारकर भी वास्तव में न तो मरता है और न पाप से बनता है। हे भारत, ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय, यह तीनों तो कर्म के प्रेरक हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से तो कर्म में प्रवृत्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है, और कर्ता कारण और क्रिया यह तीनों कर्म के संग्रह हैं, अर्थात इन तीनों के संयोग से कर्म बनता है। उन सब में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता भी गुणों के भेद से सांख्य शास्त्र में तीन तीन प्रकार से कहे गए हैं, उनको भी तू मेरे से भली प्रकार जान। हे अर्जुन, जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। और जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक भावों को न्यारा न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। और जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्णता के सदृश आसक्त है, अर्थात जिस विपरीत ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक क्षण भंगुर नाशवान शरीर को ही आत्मा मानकर उसमें सर्वस्व की भांति आसक्त रहता है, तथा जो बिना युक्ति वाला तत्व अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित फल को न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष से किया हुआ है, वह कर्म सात्विक कहा जाता है। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त है तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। तथा जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, जो कर्ता आसक्ति से रहित और अहंकार के वचन न बोलने वाला धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य के सिद्ध होने और न होने से हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, वह कर्ता तो सात्विक कहा जाता है। जो आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशुद्धाचारी और हर्ष शोक से लिपायमान है, वह कर्ता राजस कहा गया है। जो विक्षेप युक्त चित्त वाला शिक्षा से रहित घमंडी धूर्त और दूसरे की आजीविका का नाशक एवं शोक करने के स्वभाव वाला आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह कर्ता तामस कहा जाता है। हे अर्जुन, तू बुद्धि का और धारण शक्ति का भी गुणों के कारण तीन प्रकार का भेद संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे से कहा हुआ सुन। हे पार्थ, प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को एवं भय
और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को। जो जिस बुद्धि तत्व से जानती है वह बुद्धि तो सात्विक की है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता है वह बुद्धि राजसी है। और हे अर्जुन, जो तमोगुण से आवृत हुई बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है और भी संपूर्ण अर्थों को विपरीत ही मानती है वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, ध्यान योग के द्वारा जिस अव्यभिचारिणी धारणा से मनुष्य मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धारणा तो सात्विकी है। और हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य अति आसक्ति से जिस धारणा के द्वारा धर्म अर्थ और कामों को धारण करता है वह धारणा राजसी है। तथा हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निंद्रा भय चिंता और दुखों को एवं उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता है अर्थात धारण किए रहता है वह धारणा तामसी है। हे अर्जुन, अब सुख भी तू तीन प्रकार का मेरे से सुन। हे भरत श्रेष्ठ, जिस सुख में साधक पुरुष भजन ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और दुखों के अंत को प्राप्त होता है वह सुख प्रथम साधना के आरंभ काल में यद्यपि विष के सदृश भासता है परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसीलिए जो भगवत विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख है वह सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश भासता है परंतु परिणाम में विष के सदृश है। इसीलिए वह सुख राजस कहा गया है। तथा जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला है वह निंद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा वह कोई भी प्राणी नहीं है कि जो इन प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, क्योंकि यावन मात्र सर्व जगत त्रिगुणमयी माया का ही विकार है। इसीलिए हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के भी कर्म पूर्वकृत कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। उनमें अंतरकरण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, धर्म के लिए कष्ट सहन करना और क्षमा भाव एवं मन इंद्रियां और शरीर की सरलता, आस्तिक बुद्धि, शास्त्र विषयक ज्ञान और परमात्म तत्व का अनुभव भी। ये तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में भी न भागने का स्वभाव एवं दान और स्वामी भाव अर्थात निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्राज्ञानुसार शासन द्वारा प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा को पालन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गौ पालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं और सब वर्णों की सेवा करना यह शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। एवं इस अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु जिस प्रकार से अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है उस विधि को तुम मेरे से सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा से सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत व्याप्त है
उस परमेश्वर को अपने स्वाभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए सर्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त भी स्वाभाविक कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत हैं। हे अर्जुन, सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, इस प्रहार रहित और जीते हुए अंतरकरण वाला पुरुष सांख्य योगों के द्वारा भी परम नैष्कर्म में सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात क्रिया रहित शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। इसीलिए हे कुंती पुत्र, अंतरकरण की शुद्धि रूप सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे सांख्य योग के द्वारा सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है, तथा जो तत्व ज्ञान की परानिष्ठा है उसको भी तू मेरे से संक्षेप में जान। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला तथा मिताहारी जीते हुए मन वाणी शरीर वाला और दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण हुआ सात्विक धारणा से अंतरकरण को वश में करके तथा शब्दादिक विषयों को त्याग कर और राग द्वेषों को नष्ट करके तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और संग्रह को त्याग कर ममता रहित और शांत अंतरकरण हुआ सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा की ही करता है, एवं सब भूतों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवा और कुछ भी नहीं रहता। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग का अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों को अनायास ही तर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है, उसको भी अपने पूर्व कृत्य स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसीलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की ही कृपा से परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्य युक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छे प्रकार विचार के फिर तू जैसा चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरे अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और किरीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ्य मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विहलता पूर्वक पूजन करने वाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदय आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। इसीलिए सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीतारूप परम रहस्य को किसी काल में भी न तो तपरहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और न भक्ति रहित के प्रति तथा न बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिसने यह सब दोष नहीं हो ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित कहना चाहिए, क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, अर्थात निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक मेरे भक्तों को पढ़ावेगा या अर्थ की व्याख्या द्वारा इसका प्रचार करेगा, वह निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा और न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो पुरुष श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होवेगा। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन? तैनी एकाग्रचित्त से श्रवण किया और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हुई है, इसीलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूँ और आपकी आज्ञा पालन करूँगा। इसके उपरांत
संजय बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय योग को साक्षात करते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से सुना है। इसीलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूँ तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। हे राजन, विशेष क्या कहूँ, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति श्री मद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में मोक्ष संन्यास योग नामक 18वां अध्याय। अब इसी 18वें अध्याय के साथ गीता पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सबको पसंद आया होगा। पूरे पाठ में कहीं भी कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए क्षमा कीजिए। नारायण आप सब पर कृपा बनाए रखें। बोलिए नारायण नारायण। जय श्री कृष्णा।